बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास हार्ट, ये इसका एपेक्स है, ये पूरी साइड है इसकी बेस। इसमें सबसे पहले आपने देखना है इसके वेंट्रिकल, ये जो है राइट साइड पे ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये एपेक्स ऑफ द हार्ट बनता है। उसके ऊपर हमारे पास ये एक राइट ऑरिकल है ये वाला, और ये जो है हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल है। इसके नीचे होता है हमारे पास एट्रियम, ये इसके नीचे है राइट एट्रियम, इसके नीचे है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ये जो सबसे ऊपर आ रहा है हमारे पास ये है पल्मोनरी ट्रंक ये वाला, और इसके बिल्कुल पीछे ये वाला जो है ये हमारे पास एओर्टा। बैक साइड पे देखें तो हमारे पास ये जो है ये है हमारे पास इन्फीरियर वीना केवा, ये है हमारे पास सुपीरियर वीना केवा। अच्छा, उसके बाद ये है हमारे पास सल्कस टर्मिनलिस बॉर्डर। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, और ये आ गया हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये जहाँ पे मिलते हैं उसे कहते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि डोमिनेंस ऑफ हार्ट को मेजर डिटरमिन करती है। अगर ये राइट कोरोनरी से आर्टरी से है तो ये राइट डोमिनेंट होता है। 90% लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है और 10% लोगों में ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आती है। अच्छा, उसके बाद यही है।